असलकम आज हम बनाने वाले हैं पानी पूरी आपने मार्केट की पानी पूरी तो बहुत खाई है लेकिन आज हम बनाएंगे घर पर पानी पूरी और साथ साथ बनाएंगे उसके लिए एक हेल्दी पानी जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपको पानी पूरी खाकर इतना अच्छा लगने वाला है कि आप मार्केट की पानी पूरी भूल ही जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से आपकी घर पर पानी पूरी एकदम परफेक्टली रेडी हो जाती है और ये पानी पूरी इतनी फुली फुली बनती हैं बिल्कुल गुब्बारे की तरह तो चलिए बनाते हैं हम पानी पूरी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम सूजी यहाँ पे मैंने मोटी सूजी का इस्तेमाल किया है आप हमेशा याद रखें जब भी आप कभी भी पूरी बनाते हैं तो आपको हमेशा मोटी सूजी का ही यूज़ करना है आप बारीक सूजी का इस्तेमाल नहीं करें मैं इसको छान लूँगी जिस पचास ग्राम हम डालेंगे तेल हमें इसमें गुनगुना तेल डालना है हमें इसे बहुत अच्छी तरह से सूजी के अंदर मिक्स कर लेना है जितनी अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे उतनी अच्छी ही हमारी गोलगप्पे की पूरी बनेगी आप इसे रगड़ते हुए हाथ से अच्छी तरह से सूजी में मिक्स कर दें और इसमें हम पानी डालेंगे गुनगुना हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे आप जब भी गोल गप्पे के लिए पूरी बनाएं तो हमेशा उसमें गुनगुना पानी डालें इससे आपका आटा बहुत जल्दी सॉफ़्ट रहेगा और फूलेगा भी जल्दी हम इसे अच्छी तरह से गूँध लेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे आप इसको बहुत सॉफ़्ट तरीके से गूँदें आप इसे गूँधते टाइम बिल्कुल भी घबराएं नहीं आप इस तरह से आटा गूंदेंगे तो आपका आटा बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से गुनेगा पूरी के लिए और आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी फूली फूली आपको इस तरह से आटे को पहले मसल लेना है आप थोड़ा बड़ा बर्तन लें जिससे आपको आटा मलने में कोई भी दिक्कत ना हो आपको इस तरीके से आटा मलने के बाद में इस प्रोसेस को आपको 10 से 15 बार करना है आप देखेंगे आपकी सूजी कितनी अच्छी तरह से फूलने लगी है और आपका आटा कितनी अच्छी तरह से गूँझ चुका है जिस तरह आप आटा गूनते हैं उस तरह से गून लें ये देखिए आटा हमारा कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और सूजी कितनी अच्छी तरह से हमारी फूल चुकी है अब आपको इसे दस से पंद्रह बार पटकना है जब तक आप इसको पटकेंगे नहीं तब तक आपका आटा पूरी के लिए परफेक्ट नहीं गुदेगा आपको इस तरीके से 10 से 15 बार पटकना है जितना अच्छा आप पटकेंगे उतना ही अच्छी आपकी पूरियाँ बनेंगी हमें इसे आधे घंटे के लिए रख देना है रेस्ट करने के लिए तो आधा घंटा हो चुका है अब हम तैयारी करेंगे पूरी बनाने की तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा लिया है और आटे को मैं इस तरीके से शेप में करने के बाद में इसके छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लूँगी आप जिस भी शेप में बनाना चाहें आप गोल बनाना चाहते हैं तो गोल बनाइए और आपको जैसे सूजी की पूरियाँ बनती हैं लंबी तो आपको उस शेप में बनाना है तो आप उस शेप में बना सकते हैं मैं सभी पेड़ों को तोड़ लूँगी और अपने हाथों से इसको ऐसे कर लूँगी जिससे मुझे पूरी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमने थोड़े से पेड़ बना लिए हैं और हम थोड़े पेड़े हम बाद में बना लेंगे पहले हम इन्हें बेलेंगे हम साथ बेलेंगे और साथ में ही हम कढ़ाई में डालेंगे कढ़ाई में ऑयल आपको हाई फ्लेम पर गरम करना है इससे हमारी पूरी बहुत अच्छी तरह से बनती हैं और फूलती हैं आपको इस शेप में बना के और आपको एक बात ज़रूर याद रखिएगा आपको हमेशा पतली ही बेलनी है आपको मोटी बेलेंगे तो आपकी कभी भी फूलेंगी नहीं हम इसी तरह से सारी पूरियाँ बेल लेंगे आप देख सकते हैं हमारी पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है हमने सारी पूरियों को इसी शेप में बेल लेना है और कढ़ाई में डाल देना है हमारी पूरियाँ बिल्कुल एकदम फूली फुली सी बनेंगी आप देख सकते हैं हमारी पूरियाँ कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी हैं एक साइड से लाइट हुई हैं एक साइड से डार्क बिल्कुल मार्केट की तरह से बनी है अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह ही हम बाकी की पूरियों को बेल लेंगे जब आपके गोलगप्पे की पूरियाँ बन जाती हैं तब आपको इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद में आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में या पैकेट में भी स्टोर करके रख सकते हैं आपकी पूरियाँ बिल्कुल भी सीलेंगी नहीं और सॉफ़्ट नहीं होंगी इसी तरह से हम सारी पूरियाँ बना लेंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ पूरियों को गोलगप्पे गौ पुचका क्या कहते हैं मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ़ इसको किस नाम से बुलाया जाता है तो देखिए हमारी पूरियाँ कितनी अच्छी बनी हैं एकदम फुली फुली हमने गोलगप्पे की पूरियाँ तो बहुत अच्छे से बना ली हैं तो चलें अब हम बनाते हैं इसके लिए एक चटपटा सा तीखा सा और हेल्दी सा पानी तो इसके बनाने के लिए हम लेंगे दो मुट्ठी हरा धनिया एक मुट्ठी में लूँगी पुदीना एक इंच लिया है मैंने अदरक छः लिए हैं मैंने हरी मिर्च अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और दो लेंगे हम लेमन जूस और हमने इसे अच्छे से पीस लेना है पीसने के बाद में मैं इसमें मिला दूंगी करीब एक से डेढ़ लीटर पानी और पानी मिलाने के बाद में हम इसे छान लेंगे जिससे हमारा पानी बिल्कुल अच्छी तरह से फ़ाइन रहे तो मैंने इसे अच्छे से छान लिया है मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून ही मैं डालूँगी काला नमक वन टेबल स्पून हम डालेंगे चाट का मसाला हाफ़ टेबल स्पून ही हम डालेंगे सफ़ेद नमक और हाफ़ टेबल स्पून में डालूंगी लाल मिर्च पाउडर अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ी सी हम यहाँ पे डालेंगे बूंदी इसे हमारा पानी देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो हमारा पानी पूरी का पानी बहुत यमी तरीके से बनके तैयार हो चुका है और ये बहुत हेल्दी है तो अब इसकी स्टफ़िंग के लिए मैंने यहाँ लिए हैं दो बॉयल पटैटो आधी प्याज कटी हुई हाफ़ टेबल स्पून मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर वन थर्ड टेबल स्पून भुना हुआ जीरा हाफ़ टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें नमक थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चाट का मसाला मुझे तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसमें चाट का मसाला ऐड कर रही हूँ वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें हमारी पानी पूरी पानी पूरी का पानी और इसकी स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है आप इसे जल्दी से बनाएं और जल्दी से सर्व करें आप देख सकते हैं हमारी पानी पूरी बिल्कुल अच्छे से बन गई है और कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है तो हम इसमें बनेंगे स्टफिंग और इसमें हम डालेंगे पानी मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा वाला पानी आ रहा है इतना थीखा और चटपटा सा पानी देख करके आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें तो जल्दी मिलेंगे एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें खूब सारा ख्याल रखें थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज़